रेडियो विथस्ता की लघु कथा श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आज की कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक कुम्हार रोजाना की तरह कुछ बर्तन बना रहा था। उस दिन उसने सोचा कि चलो आज मैं चिलम बनाता हूँ। उसने चिलम बनानी शुरू की। उसकी पत्नी आई, बोली क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं चिलम बना रहा हूँ। बोली छोड़ो, चिलम बनाओगे लोगों के कलेजे को फूकेगी, नशा होगा, धुआं करेगी, कुछ और बना लो। तो उसने कहा बताओ क्या बनाऊं? बोली आप ही सोच लो, ऐसी चीज बनाओ जो सबको लाभ दे। उसने कहा चलो ठीक है, मैं अपना विचार बदलता हूँ और मैं सुराही बनाता हूँ। उसने चिलम की बजाय सुराही को बनाना शुरू कर दिया और जब सुराही बन गई तो पूछा सुराही ने कि तूने मुझे क्यों बनाया? उसने कहा मैं तो चिलम बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कहा तो मैंने अपना विचार बदल दिया और विचार बदल के मैंने चिलम की बजाय सुराही बना दी। सुराही ने कहा बहुत खूब, तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तो कहने का भाव इतना है कि अगर आप अपना विचार बदल लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं बताता हूं एक और बात कि सिर्फ बातें करने से या विचार बदलने भर मात्र से कभी जिंदगी नहीं बदलती, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। दोस्तों, एक राजा को उसके दूसरे राजा दोस्त ने उसको दो बाज दिए और वो बाज उन्होंने उनको तोहफे के तौर पे दिए। राजा वो बाज लेकर अपने राज्य में आ गया और उसने उन बाजों को अपने उस सेनापति को सौंप दिया जो सेनापति उसके जानवरों और उसके परिंदों की देखभाल करता था। और उसको ये कहा कि भाई देख के बताओ कि ये बाज किस नस्ल के हैं, कैसे हैं ये, इनकी क्वालिटी क्या है। सेनापति ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको कल बताता हूं। तो अगले दिन सेनापति ने राजा को बताया कि महाराज ये जो दो बाज आपको आपके दोस्त ने तोहफे में दिए हैं, ये बाज बहुत बेहतरीन नस्ल के हैं। राजा ने बोला ठीक है, फिर इनके कुछ कर्तव्य हमको दिखाइए। तो अगले दिन फिर वो सेनापति उन बाजों को लेकर गया और कोशिश की तो वो बाज कामयाब नहीं हो पाए। राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने कहा क्यों भाई, आप तैयार हो सेनापति अपने बाजों से मुझे अपने कर्तव्य दिखाने के लिए? उसने कहा महाराज मैं कर्तव्य क्या दिखाऊं, ये दो बाज हैं, नस्ल दोनों की एक है, लेकिन फर्क दोनों के बीच में जमीन और आसमान का है। राजा ने पूछा ऐसी क्या बात है जो इन दोनों के बीच में इतना बड़ा फर्क है? तो सेनापति ने कहा कि महाराज एक बाज तो बहुत बेहतरीन है और इसको जैसे चाहूं वैसे उड़ता है, ये इशारा करने पर ही आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा बाज इतना ढीठ है कि अपनी जगह से हिल के राजी ही नहीं है। इस बाज का क्या फायदा है, ये तो उड़ता तक नहीं है, सिर्फ बैठा रहता है। राजा ने कहा तो भाई ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम किसी ऐसे शख्स की तलाश करो कि जो ये इन बाजों को ढंग से उड़ना सिखाए। उसने कहा ठीक है। तो उस सेनापति ने उन बाजों की ट्रेनिंग के लिए तलाश करनी शुरू कर दी किसी ऐसे शख्स की जो उनको ट्रेन कर सकता हो। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति उसको मिला जिसने कहा कि भाई इन बाजों को उड़ना तो मैं सिखा दूंगा। उसने कहा बाज तो एक तो उड़ता है बहुत बेहतरीन, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरा बाज अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं कर देता हूं। तो उसने उसको उड़ना सिखा दिया। सिखाने के बाद में फिर सेनापति ने उन बाजों का प्रदर्शन अपने राजा के सामने किया। तो जब राजा ने देखा कि दोनों ही बाज बेहतरीन तरीके से उड़ रहे थे और आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, तो राजा ने पूछा सेनापति से भाई ये ऐसा कमाल कैसे हो गया और ऐसा कौन सा शख्स तुमको मिल गया जिसने तुमको ये सिखा दिया कि ना उड़ने वाले बाज को भी इस तरह से आसमान की बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो सेनापति ने कहा जनाब मैं आपको उस आदमी से मिलाता हूं। उस व्यक्ति को बुलाया गया, उससे राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या मंत्र पढ़ दिया,
ایسا کیا کیا کہ نہ اڑنے والا باز بھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا؟ اس نے کہا، مہاراج یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اصل میں یہ باز جس ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میں نے اس ٹہنی کو ہی کاٹ دیا۔ تو کہنے کا تاتپریہ اتنا ہے، جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کمفرٹ زون سے باہر آئیے، اپنے شبدوں پر، اپنے کرموں پر یقین کیجئے اور کرموں پہ وشواس کیجئے، کرموں کو کیجئے، کرموں کا پھل نشچت روپ سے آپ کو ملے گا۔ آلس چھوڑیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دھنیواد۔ اگلی ایک اور اس طرح کی پریرک لگو کتھا لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے نمسکار، جے بھارت، جے ہند۔ ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔